बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान आप किसानों के लिए एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, जहां हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। इसके साथ ही सरकार की उन योजनाओं के बारे में भी हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं जो सीधे आप किसानों से संबंधित हैं। आज के कार्यक्रम में किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और जिससे जुड़े प्रश्न हम आज के कार्यक्रम में आपके शामिल करेंगे, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है औषधीय पौधों की खेती, और साथ ही हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। इन दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके लिए जान लें आप हमारा टोल फ्री नंबर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60। दूसरा नंबर है 1800-1130-61। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आपके लिए हम व्हाट्सएप नंबर भी लेकर आए हैं, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, 8800-5207-17। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप कार्यक्रम के दरमियान भी अपने सवाल भेज सकते हैं। और आइए अब आपको अपना ईमेल पता भी बता देते हैं, यानी हेलो किसान का ईमेल एड्रेस hellokisan2015@gmail.com। तो इस पर भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के हमारे विषय क्या हैं और इनसे जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं वो सीधे आप हमें कॉल कर, ईमेल कर या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुँचा सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले कुछ खास बातें हमारे किसान ज़रूर ध्यान में रखें। जब भी आप कॉल करें नेटवर्क क्षेत्र में रहकर ही कॉल करें ताकि आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से हम तक पहुंच सके। बहुत ज़्यादा शोर ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। इसके साथ ही आप इस बात को भी गौर में रखें कि जब भी आप कॉल करें तो अपने टेलीविज़न को म्यूट कर लें ताकि हम आपके सवाल को सुन सकें। जवाब सुनने के लिए आप वापस से आवाज़ कर सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इन सभी बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं आज के हमारे पहले विषय की, यानी औषधीय पौधों की खेती। तो हम सभी जानते हैं औषधीय पौधे आज के समय की मांग है, और वहीं दूसरी तरफ आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में। ये किसानों को आत्मबल देता है, आर्थिक मदद करता है। तो बारी बारी से आज के जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर YR मीणा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप पूर्व अपर आयुक्त हैं विस्तार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सरकार से जुड़े रहे आप, और आज का जो हमारा एक विषय है यानी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न है या फिर इससे जुड़ी हुई तमाम बातें हमारे साथ साझा करेंगे डॉक्टर मीणा। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर राजेश कुमार। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप औषधीय पौधों की खेती पर बात करेंगे। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं औषधीय पौधे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा से। तो दोनों विषय के बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया है, और आइए अब बारी बारी से इन विषयों को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर मीणा, सबसे पहले प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की हम बात कर लेते हैं। अब तो हमारे किसान, काफ़ी सारे किसान इससे जुड़ते जा रहे हैं और उन्हें इंतज़ार भी होता है अपनी किस्त का। तो कैसे इसमें किस तरह से आप देख रहे हैं कि किसानों के जीवन में बदलाव आ रहा है इस योजना से? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। खासकर अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर आर्थिक लाभ किसानों को इस योजना के तहत मिलता है, और जो भी मदद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को मिलती है उससे निश्चित तौर पर वो अपने जो खेती किसानी है उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी सीधे तौर पर उनकी जो आय है उसमें इस योजना के माध्यम से वृद्धि होती है, क्योंकि ये जो पैसा जाता है सीधे DBT के माध्यम से किसान भाई जो भी इसके पात्र हैं उनके खाते में सीधे तौर पर जाता है। तो एक बहुत बड़ी मदद किसान भाइयों को इसी योजना के तहत मिलती है। बिल्कुल, DBT इनडायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में होता है, और इसमें कोई लीकेज होने की आशंका नहीं होती, कोई पैसा आपका इधर उधर नहीं होगा, सीधे आपके खाते में आएगा। और जिस खाते से आपको मोबाइल नंबर अटैच है उसमें आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपके खाते में इतने पैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आ चुके हैं।
और चलिए अब इससे जुड़े हम एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 से मानी जाती है और फरवरी 2019 में सम्मान निधि की पहली किस्त जारी की गई थी। सरकार अब तक इसकी 17 किस्तें दे चुकी है। सरकार ने अब तक 17 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.24 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का वितरण किया है। सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपए की मदद दी जाती है, यानी सरकार एक साल में किसानों को 6,000 रुपए देती है। ये राशि साल में 2,000 रुपए की 3 बराबर किश्तों में सीधे किसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के तहत खाते में डाला जाता है। DBT से पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया पारदर्शी रहती है और इससे किसानों का समय भी बचता है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से किसान खेती बाड़ी से जुड़ी अपनी जरूरतें जैसे खाद बीज खरीदना पूरी कर पा रहे हैं। सभी किसान इस योजना का फायदा ले सकते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को EKYC करना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरने के बाद लाभकारी किसानों के नाम की लिस्ट पंचायत पर लगाई जाती है। इसके अलावा जिन किसानों को योजना का फायदा मिलता है उनके मोबाइल पर SMS भी भेजा जाता है। लाभार्थियों की पहचान का पूरा दायित्व राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर है। इस योजना के लिए एक विशेष वेब पोर्टल www.pmkisan.gov.in भी है। इस पोर्टल पर जाकर आप पीएम किसान योजना से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो देखा आपने कि कितने काम की ये योजना, सीधे किसानों के खाते में पैसे पहुंचते हैं और उन्हें जिस भी तरह से उसको खर्च करना है ये उनका अपना विवेक है। उन्हें बीज लेने हैं, खाद लेनी है या पशुपालन के लिए उसका किसी तरह का इस्तेमाल करना है, ये सब आपकी अपनी चॉइस होती है, आपकी अपनी इच्छा होती है। चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय की, जो है औषधीय पौधों की खेती। तो इस पर मैं डॉक्टर राजेश जी आपसे जानना चाहूँगी, औषधीय पौधों की खेती हम देख रहे हैं कि इस समय इसकी काफ़ी डिमांड है और बहुत सारे ऐसे औषधीय पौधे या फिर ऐसे प्राकृतिक चीज़ें उत्पाद हैं जिनकी मांग और आपूर्ति में काफ़ी फर्क है। तो इससे किस तरह के अवसर हमारे किसानों के सामने खुलते हैं और अब औषधीय खेती को लेकर कैसे लोगों की और किसानों की सोच में भी बदलाव हम देख रहे हैं? आजकल के युग में जो ये जो औषधीय पौधों की खेती है इसकी डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, खासकर कि जो हमारे देश में या विश्व भर में जो कोरोना की बीमारी आई उसके बाद में इनकी खपत और डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है। कोरोना से पहले हम सिर्फ अंग्रेजी दवाइयों पर निर्भर थे, परंतु कोरोना काल में क्या हुआ कि सभी अस्पताल और ये औषधालय बंद हो गए, तो हमारे आसपास जितने भी नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो पौधे उपलब्ध थे हमने उन्हीं का उपयोग करके हमारी इम्यूनिटी बढ़ाई और हमने जीवन रक्षण के लिए कार्य किया। तो अब भारत सरकार चाह रही है कि क्यों न गांव-गांव और खेत खेत में औषधीय पौधों की खेती भी किसान अन्य खेती के साथ में करे, ताकि हर प्रकार की जड़ी बूटी गांव की गांव में देश की देश में उपलब्ध हो और विश्व बाजार में भी इनकी बहुत अधिक डिमांड है। और भारत का एक जलवायु ऐसा है जहाँ पे विश्व की हर प्रकार की जड़ी बूटी को आसानी से उगाया जा सकता है और वैज्ञानिक क्षमता इतनी है कि हर परिवार की जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं और प्रसंस्करण करके विश्व बाजार में हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप क्या कह रहे हैं सर कि क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी है, ठंडे इलाके भी हैं, शुष्क भी हैं, गर्म भी हैं और ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर तापमान ना ज़्यादा होता ना कम होता, एक समान पूरे साल रहते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं विविधता बहुत ज़्यादा है और इसलिए विभिन्न तरह की फसलों के लिए काफ़ी अनुकूल यहाँ पर परिस्थितियाँ होती हैं और यही बात हमारी जो औषधीय पौधे हैं उन पर भी लागू होती है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। हमारे देश में बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं
जिनमें भरपूर मात्रा में औषधीय गुण पाए जाते हैं। औषधीय पौधे और उनसे बने उत्पादों की देश विदेश में बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। बता दें कि औषधीय खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी किसानों का सहयोग करती है। अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गूलर आदि बहुत सी ऐसी औषधीय फसलें हैं जिनकी खेती किसान कर सकते हैं। खेत में एक ही तरह की फसल लेने से खेत की उर्वरता पर भी असर पड़ता है। ऐसे में आप फसल विविधता अपनाकर और खेत खाली होने के बाद उसमें औषधीय पौधों की खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। औषधीय पौधों में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल पत्तों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में होता है। इनमें आंवला, नीम और चंदन महत्वपूर्ण हैं। ये पौधे लंबी अवधि में पेड़ की शक्ल लेते हैं और इनकी लकड़ी, पत्तियां दवा बनाने के काम आती हैं। ये लंबे समय में मुनाफा देते हैं, जबकि कम समय में मुनाफा देने वाले पौधों में ईसबगोल, तुलसी, एलोवेरा, हल्दी और अदरक की खेती आप कर सकते हैं। इन सभी औषधीय पौधों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में किया जाता है। पहले औषधीय फसलों की करीब 80% से ज्यादा उपज जंगलों से आती थी, लेकिन केंद्र ने राज्य सरकारों के सहयोग से इनके कृषिकरण को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अब उद्योगों की निर्भरता औषधीय पौधों के कृषिकरण से मिलने वाले कच्चे माल पर बढ़ी है। तो अभी आपने औषधीय पौधों पर हमारी ये रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि चाहे इससे बने उत्पादों की बात करें या फिर कच्चे माल की बात करें, हर स्तर पर मांग औषधीय उत्पादों की या कच्चे मांग की या इन पौधों की बढ़ती जा रही है। और वजह यह है कि इसका बाज़ार काफ़ी व्यापक होता जा रहा है और हमारे देश में उगने वाले औषधीय पौधों की या फिर दवाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है अगर हम दूसरे देशों से इसकी तुलना करें, और इसीलिए विश्व बाज़ार में भी इसको लेकर नए द्वार खुल रहे हैं। तो अगर आप भी औषधीय पौधों की खेती करने के बारे में कोई विचार बना रहे हैं या फिर आप करते हैं, उसे और बेहतर स्थिति में ले जाना चाहते हैं, तो आज का ये मंच आपके लिए है। हेलो किसान में आप कॉल करें और अपनी बातें हम तक पहुँचाएँ। और चलिए अब बारी बारी से दोनों विषयों को और बेहतर से हम समझने का प्रयास करते हैं और आपके सवालों का हम इंतज़ार रहेगा। तो डॉक्टर मीणा, सबसे पहले अब मैं जानना चाहूँगी कि अभी पहला सवाल तो यही कि किस तरीके से हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं और किस्त का भी इंतज़ार है किसानों को। जी बिल्कुल, किसान भाई, जैसा कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही लोकप्रिय योजना है, सीधे लाभ देने वाली योजना है। तो जो किसान भाई पात्र हैं, यानी इसके जिनको ये मिलनी चाहिए और अभी तक नहीं मिल रही है, तो वो एक तो ई मित्र, जो हमारा कॉमन सर्विस सेंटर होता है, जन सूचना केंद्र, वहाँ पर जाकर के संपर्क करें। उनको इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी होती है और इसमें ज़मीन के कागजात, बैंक की डिटेल, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। वो ले जा करके जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है या किसी गलती से उनका बीच में पेमेंट रुका हुआ है, तो वो जाके संपर्क करें और उसकी स्थिति उनको पता चलेगी और जो ज़रूरत हो उस तरीके से वो कार्रवाई करेंगे। तो ये है, और कृषि अधिकारी जो हैं नज़दीक में उनसे भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा घर बैठे हमारे जो आजकल तो स्टूडेंट जो हैं, हर घर में जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो काफ़ी स्मार्टफोन रखते हैं, तो फ़ोन से भी पीएम किसान पोर्टल है, उस पर जा कर के वो अपनी स्थिति जान सकते हैं कि उनको पेमेंट अगर लेट हो रहा है या कब उनकी किस्त आने वाली है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उस पर जा कर के भी वो जानकारी इसकी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब, कहीं जाने की किसान भाइयों को ज़रूरत नहीं है, वो जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से, पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से, जन सूचना केंद्र के माध्यम से, और कृषि अधिकारी जो हैं आपके आसपास के, उनसे संपर्क करके आप इस योजना का लाभ, अगर आप पात्र हैं, तो निरंतर रूप से ले सकते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की तब बताया कि शुरुआत में जब ये योजना लागू की गई तो लघु और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन जैसे ही दूसरी बार मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण की, उसके बाद में ज़मीन की जो सीमा थी, जो बंदिश थी, उसको हटा लिया गया। अभी ज़मीन कम ज़्यादा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसान होना चाहिए,
खेती योग्य किसान के पास ज़मीन होनी चाहिए, उसके कागजात होने चाहिए, तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस बनी हुई हैं। जब आप जन सूचना केंद्र में जाएंगे या कृषि अधिकारियों से संपर्क करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अगर पात्र हैं तो वो बताएंगे और आपकी मदद करेंगे। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विपिन है, जिन्होंने सागर से हमें कॉल किया है, मध्य प्रदेश के सागर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं, बताएं आप अपना सवाल बताइए। मैम मेरे दो सवाल है, पीएम सम्मान निधि के बारे में जानना था। अभी फिलहाल में ईकेवाईसी चल रही है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, ठीक है, घोषित हुई है, तो कुछ लोगों की ईकेवाईसी नहीं हो पा रही है कुछ कारणों से, तो क्या इन्हें अगली किस्त नहीं आ पाएगी, या फिर जिनकी नहीं हो गई है तो उन्हें जरूरी है कराना, या फिर कुछ देर बाद भी हो सकती है? और दूसरा सवाल मैम ये था कि कहते हैं वैसे आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं पीएम सम्मान निधि पर, लेकिन एक सवाल और मैं जानना चाह रहा था कि कहते हैं भी परिवार को इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन माता पिता और बच्चे दोनों के नाम से जमीन है, लेकिन वो सभी एक ही परिवार में रहते हैं, तो उनको मिलेगी जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन वो 25 या 30 साल के हो चुके हैं और उनके नाम से भी जमीन है। ठीक है, आपके दो सवाल हैं। तो पहला तो सर, ईकेवाईसी कितना अनिवार्य है अगर किसी का किसी वजह से नहीं हो पा रहा है? ईकेवाईसी को भी हमने देखा कि काफ़ी टेक्निकली इसे काफ़ी बेहतर किया गया है। अगर किसी के अंगूठे के निशान से नहीं हो पा रहा है तो उसके भी दूसरे विकल्प हैं। तो पहला सवाल ही ले लेते हैं, और ईकेवाईसी किस तरीके से आज के दौर में नई तकनीक से भी किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, ईकेवाईसी जो है वो तो करनी ही है, वो आवश्यक है इसके लिए, और जैसे मैंने कहा जन सूचना केंद्र वाले ये लोग मदद करेंगे, या हमारा जो पीएम किसान पोर्टल है उस पर जाकर के भी इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी ली जा सकती है। कहीं कोई समस्या है उसके निदान भी सुझाए गए हैं, विस्तृत गाइडलाइंस भी आपको उस पर उपलब्ध होगी, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से ही हमारा जो सिस्टम है उसमें हम लोग पूरी संपूर्ण जानकारी ले पाते हैं, कहाँ किसान भाइयों को क्या दिक्कत है। और दूसरा सवाल इनका सर, इकाई किसे मानेंगे, जैसे माता पिता और बच्चे जो हैं उनकी उम्र जो है, पुत्र है, मान लीजिए पुत्र है, उनकी उम्र अगर 30 साल तक भी हो गई है लेकिन वो बालिग हैं और उनकी शादी नहीं हुई, तो वो एक अलग परिवार माना जाएगा या उसी परिवार को माना जाएगा? क्या दोनों पिता और पुत्र अगर दोनों के नाम पर ज़मीन है तो उन्हें मिलेगा इसका लाभ? जी बिल्कुल, परिवार की परिभाषा खासकर पीएम किसान सम्मान निधि में जो दी है उसमें पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, ये एक यूनिट है, एक परिवार है। अब उससे जो बालिग बच्चे हैं उनके नाम से अगर पहले से ज़मीन है उसमें एक कट ऑफ डेट है उसके हिसाब से, तो वो उनको अलग से मतलब इसकी मदद मतलब जो भी है, हाँ, मतलब वो उस परिवार का हिस्सा नहीं, मतलब हिस्सा नहीं है, हिस्सा उस तरीके से नहीं माना जाएगा, लाभ के लिए। जी हाँ, लाभ के लिए नहीं, आप हिस्सा है उस परिवार का। हाँ। लेकिन एक यूनिट के तौर पर अगर हम देखें तो उसमें पति पत्नी और नाबालिग बच्चे को एक परिवार माना गया है और उन्हें ही इसका लाभ मिल सकता है। जो बालिग बच्चे अगर उनके नाम पे जमीन है तो वो अपने लिए अलग से इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही आप वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें, अपने प्रश्न हमें ईमेल कर, व्हाट्सएप कर या फिर कॉल करके भी बता सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। इसके लिए तो रखते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में और साथ ही आपको जानकारी दे रहे हैं औषधीय पौधों की खेती पर भी। दोनों विषयों से जुड़े अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर भी हमें बता सकते हैं। चाहे आप ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमें कॉल करें, सभी प्रश्न लाइव हम कार्यक्रम में आपके शामिल करेंगे। अब बात करते हैं, वंश रोपन सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए जानते हैं उनका सवाल क्या है। जी आप बताएं क्या प्रश्न है। हमारा जो है सम्मान किसान सम्मान निधि जो है दो चक्कर मिली थी, ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जो है आधार जब फिर होने लगा तो जो किसान मित्र थे कृषि वाले उन्होंने 12 नंबर के बजाय 11 नंबर फीड कर दिया। अच्छा ठीक है, इसलिए हमारा आना बंद हो गया है और हम बहुत प्रयास किए लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। सर कुछ आप पूछना चाहते हैं इनसे, काफी परेशान है, समाधान चाहिए। नहीं बिल्कुल, गलती तो उनको पता है जैसा कि नंबर गलत फीड हो गया और ये इसीलिए जो टेक्नोलॉजी है तकनीकी है उसका उपयोग किया जाता है कि कोई भी योजना के तहत कोई फर्जीवाड़ा ना हो, कोई गलत आदमी गलत तरीके से उसका लाभ ना। अब ये जैसे कह रहे हैं इन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन इन्हें नहीं मिल पा रहा पैसा, अब क्या करें सर बताइए, इन्हें काफी परेशान भी दिख रहे थे। उसके ये बात दो तरीके हैं, एक तो जन सूचना केंद्र में जाके मिलें और उसको जो भी गलत फीड हुआ उसको ठीक कराएं, अपडेट कराएं, और दूसरा एक PMU मतलब इस प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो कृषि भवन में है वहाँ पर PMU सेटअप की है, तो वहाँ पर भी आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कैसे भेजे सर वहाँ पर? PM किसान पोर्टल के थ्रू भेज सकते हैं। PM किसान पोर्टल पे आप अगर देखते हैं तो पोर्टल पर भी आपको काफी सारी एडवाइजरी मिलेगी, हर चीज का समाधान, क्वेश्चन आंसर इस तरीके के। तो निश्चित तौर पर क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की गलती नहीं है, ये नंबर फीड गलत कर दिया, ह्यूमन एरर है जी। हाँ तो बहुत लोगों के साथ ऐसा है, कई लोगों को 2 किस्त मिल गई, 3 मिल गई, बाद में किसी कारण से ऐसे ही छोटे मोटे जो कारण है उनकी वजह से उनकी इरेगुलर हो जाती है किस्त। तो इसको ध्यान में रखने की बात है और क्योंकि उसको कोई ये वेव अप नहीं कर सकता बीच में, भाई चलो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको वैसे पैसा मिल जाएगा। एक सिस्टम है टेक्नोलॉजी और वो जो सिस्टम है उसके माध्यम से ही ये पैसा फ्लो होता है, इसलिए कोई गलती इसमें ना रहे और कोई गलत आदमी इसका लाभ ना ले सके। जी बिल्कुल, तो मकसद यही है कि किसी का पैसा ना रुके और किसी गलत व्यक्ति को भी पैसा ना जाए, किसी तरह की यहाँ फर्जीवाड़ा ना हो, इसलिए सरकार की तरफ से भी कदम फूंक फूंक कर रखा जाता है ताकि जो जो उचित व्यक्ति है जिसको ये मिलना चाहिए उसी तक ही ये राशि पहुँचे। अब एक सर सवाल ले लेते हैं, ये हमारे पास आया है औषधीय पौधों से जुड़ा हुआ। डॉक्टर राजेश हमारे दर्शक हैं जिनका नाम है संजय यादव, ये रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं। तुलसी की खेती कैसे करें जाना चाहते हैं, तुलसी की खेती। तो किसान भाई से मेरा अनुरोध है कि ये उत्तर प्रदेश के किसान हैं रायबरेली से, तो आपके पास में सबसे नज़दीक सीमैप लखनऊ है, तो लखनऊ जो है वो औषधीय पौधों की खेती पे काम करता है, तो वहाँ से आप औषधीय पौधों के लिए बीज भी ले सकते हैं और पौध भी ले सकते हैं, और वहाँ से उपलब्ध ना मिले तो आप हिसार हरियाणा चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आपको तुलसी की खेती संबंधी पूरी जानकारी और पौधे आपको मिल जाएंगे। अभी जो तुलसी की जो रोपाई का समय है वो आप जो पौधे तैयार हैं उनको आप खेत में लगा सकते हो और आगे खेती कर सकते हो, पर इसके लिए ये है कि आपको आगे या तो इसके पत्ते सुखा के बेचने पड़ेंगे या आगे इसका तेल निकाल के पत्तों से आपने बेचना पड़ेगा। तो आपने या तो ड्राइंग के लिए आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, ड्रायर वगैरह ओवन वगैरह आपने लेना पड़ेगा ताकि आप पत्तों को सुखा के आगे पैक करके बेच सकें, या कोई डिस्टिलेशन यूनिट लगानी पड़ेगी जिससे कि आप इसका तेल निकाल के बेच सकें। ठीक है, ये जरूरी है। तो सर ये बताएं कि कैसा है इनका ये फैसला, मतलब तुलसी की खेती करना और उस क्षेत्र के अनुसार ये कितनी कामयाब रहेगी? उत्तर भारत क्षेत्र में तुलसी की खेती आसानी से की जा सकती है, अच्छी अच्छी मतलब कि किस्में उपलब्ध हैं यहाँ पे तुलसी की, और तुलसी की डिमांड बहुत है क्योंकि ये एज ए इम्यूनिटी बूस्टर काम करता है, खांसी जुखाम बुखार और इससे संबंधित औषधीय इस्तेमाल भी हाँ, इसका इस्तेमाल इसका बहुत ज्यादा, और हम तो जैविक और घरेलू उपयोग भी जैविक खेती में भी काफी इसका, जैविक खेती में ही इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग रहता है, किसी प्रकार की
रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक दर्शक हैं विजय, जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से, आइए बात कर लेते हैं। विजय जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी कहाँ से बात कर रहे हैं विजय जी? जी सर, मैडम मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ मैडम। अच्छा ठीक है, बताएं सवाल बताइए। मेरा सवाल है कि जो प्रधानमंत्री जो जो योजना जो शुरू है अभी किसान सम्मान निधि, तो एक घर में सिर्फ एक ही आदमी को मिलते है, अगर बाकी के नाम पर भी जमीन हो तो लाभ नहीं मिलते, इसके बारे में मुझे पूछना था। चलिए इसे एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि क्या। अच्छा सर ये बताइए कि पति पत्नी है और दोनों के नाम पर जमीन है, क्या उन्हें भी अलग अलग ये सम्मान निधि योजना मिल सकती है या फिर एक ही व्यक्ति इसके लिए बन सकता है? नहीं, वो पति पत्नी दोनों को, क्योंकि एक फैमिली है, एक परिवार, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, तो उनमें से किसी एक को ही ये राशि मिलेगी, चाहे पति लें या पत्नी, दोनों को नहीं मिलेगी। तो जैसे ये जानना चाह रहे हैं कि एक परिवार में किस किस तरीके से मिल सकती है, तो मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा आप क्लियर कर दें कि कौन कौन से लोग इसके पात्र हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, परिवार को ये पैसा मिलता है जो 6,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि का, तो परिवार की तो परिभाषा मैंने बताई है, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे। इसके अलावा बच्चे बड़े हैं, शादीशुदा हैं या नहीं, उनके जमीन है उनके नाम से, तो उनका रजिस्ट्रेशन अलग हो सकता है, वो उसके पात्र हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पति पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा है। इसमें कोशिश सरकार की तरफ से है कि एक परिवार को मदद की जाए और उस परिवार को मदद देने के बाद में दूसरे अन्य परिवार उसी तरीके के हैं उनको, यानी ये नहीं कि फैमिली के सभी मेंबर्स को मदद पहुंचाई जाए, एक परिवार को जो किसान की फैमिली है उसको मदद देने के लिए ये योजना चालू की है। और मदद क्यों, सीधे तौर पर पैसा मिलता है तो उससे वो अपनी खेती किसानी और बेहतर तरीके से कर सकें, अच्छे खाद बीज या कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकें, तो खेती को और बेहतर बनाने के लिए ये मदद दी जाती है। ठीक है सर, एक अब औषधीय पौधों से जुड़ा हुआ सवाल आया, हमारे दर्शक हैं अंकुर सहाय, जिन्होंने हमें आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि औषधीय पादपों की खेती से जुड़ा जो इनका प्रश्न है, उसमें शतावरी गिलोय अश्वगंधा की खेती करने के लिए कैसी मृदा चाहिए, यानी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, अथवा इन औषधीय पादपों के बारे में अगर हम और अधिक जानना चाहें तो इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। अंकुर सहाय आजमगढ़ से, मैं दर्शक। ये औषधीय पौधों की खेती हम पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं आसानी से, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सतावर जो जड़ वाली जो फसलें हैं, अश्वगंधा है, सतावर है, तो इनके लिए रेतीली दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है। इसके अलावा बाकी जो और पौधे हैं उनकी खेती हम किसी भी प्रकार की मिट्टी में और जलवायु में, भारत की जलवायु इन सब पौधों के लिए उचित है। अच्छा, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये भी हाँ, जीवन में महत्व, गिलोय एक जो हमारे जो प्लेटलेट्स वगैरह डाउन हो जाती है डेंगू फीवर में, तो उसके लिए सबसे बहुत अच्छा रामबाण औषधि है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करता है और बुखार आदि की रोकथाम में भी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जो सतावरी जो है वो लेडीजों के लिए एक कायाकल्प औषधि के रूप में उपयोग होती है, मासिक धर्म संबंधी बीमारियाँ और किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है उसको दूर करने में इसका जो पाउडर होता है, जो इसके राइजोम का पाउडर, वो उपयोग में लिया जाता है। लगभग 3 ग्राम पाउडर प्रतिदिन 15 दिन यूज करने से समस्याएं दूर हो जाती हैं आपकी। इसी प्रकार से जो अश्वगंधा है वो पुरुषों के लिए कायाकल्प औषधि है, तो अश्वगंधा का पाउडर भी इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है, तो उसको आधी चम्मच सुबह शाम दूध के साथ 15 दिन लेने से मतलब कि आपकी काया निरोगी हो जाती है। हमारे साथ एक दर्शक है जिन्होंने पश्चिम बंगाल से मैं कॉल किया है, पवन जी हैं फोन लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। पवन जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। मैम मेरा प्रश्न है कि जमीन मेरे पापा का नाम से है किंतु उनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, तो क्या उसका लाभ मेरी मम्मी को मिल सकता है किसान का? अच्छा, उनको मिला करता था पहले उनके रहते हुए? हाँ, पापा को मिलता था लेकिन मम्मी को उसमें नहीं मिलता था। ठीक है सर, यहाँ पर बहुत सारे दर्शकों के सवाल आते हैं क्योंकि हर एक स्टेट का अपना लैंड को लेकर रूल होता है, लॉज होते हैं, तो जैसे इनके क्षेत्र में पिता के बाद भूमि क्या पुत्र के नाम आई या माता के नाम आई, तो उस समय ये किस तरीके से सम्मान निधि योजना का नहीं, बिल्कुल इनकी माता के नाम आएगी जमीन और पुत्रों के नाम भी आती है। हाँ जी, एक कुछ क्षेत्र एक तो मृत्यु प्रमाण पत्र बना के और जो रेवेन्यू वाले जो ऑफिसर्स हैं उनके यहाँ जमा करना होता है, तब उनके नाम से जमीन जब प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगी। मृत्यु के केस में तो स्पेशली ये योजना
कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसको लैंड को जो रिकॉर्ड में चंडवाने के बाद में वो चालू की जा सकती है। तो वो कार्रवाई करें और रेवेन्यू ऑफिसर्स को मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए यानी उनके नाम जमीन का स्थानांतरण करवा लें तो उनको चालू हो जाएगा, उनको लाभ मिलेगा। पहले नाम उनकी जमीन चढ़ जाए जी, बिल्कुल। उसके बाद आपको वो प्रमाण पत्र देना होगा। और सर यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी जितने समय तक ये रुकी रहती है, मान लीजिए कि इसका अपना समय लगता है इन सब चीज़ों को होने में, तो क्या उस टाइम की मिस हुई जो उनकी किस्त होती है वो मिलती है या फिर नए सिरे से मिलेगी नए व्यक्ति को? नहीं, नए सिरे से जब इनका सारी कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद इनको नियमित एक बार चालू होगी तो फिर इनको उसका लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, अब एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया है, वो भी मैं ले लेती हूँ। ये अनवर खान है, इन्होंने MP उज्जैन से ये हमें सवाल भेजा है और ये कहते हैं कि हमें PM किसान सम्मान निधि योजना नहीं मिल रही है। पटवारी साहब से मिलने पर वो कहते हैं कि आपका नया पटवारा है इसीलिए नहीं मिलेगी। जी, जैसे मैंने कहा कुछ कट ऑफ डेट है इसकी, तो उसको आगे चल के सरकार खोल सकती है लेकिन पहले से जो डेट निर्धारित है उससे पहले जिन लोगों के नाम से जमीनें थी उनको ये लाभ मिल रहा है। हाँ, मृत्यु के केस में बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो चाहे पत्नी हैं या बच्चे हैं जिनको ज़मीन ट्रांसफ़र होगी तो वो बेनिफिट जो पति को मिल रहा था वो उनके परिवारजनों को चालू हो जाएगा। जी, इसी के साथ ही हमें यहाँ पर बताना होगा आपको कि हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा। चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से जुड़ा हो आपका कोई भी प्रश्न हो या फिर आप औषधीय पौधों की खेती के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। इस छोटे से ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी भी हेलो किसान कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं तो आज का विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर नहीं मिल रही है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, कैसे आप EKYC करवाएं, इन सभी सवालों का हम आज आपको जवाब दे रहे हैं, इन्हें और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज का जो हमारा दूसरा विषय है वो है औषधीय पौधों की खेती। औषधीय पौधे की खेती से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। और आइए कुछ एक हमारे पास और व्हाट्सएप सवाल आए हैं, वो भी हम अभी ले लेते हैं। और सर ये हमारे पास जो सवाल है औषधीय पौधों से जुड़ा हुआ है, भूपेश है मध्य प्रदेश से हमारे दर्शक, और ये जानना चाहते हैं अश्वगंधा के मार्केट में मांग बढ़ रही है, इसकी खेती शुरू करने के लिए क्या करें? बिल्कुल ठीक सोचा किसान भाई आपने, अश्वगंधा की मार्केट में डिमांड आजकल बढ़ रही है और इसकी खेती शुरू करने का बिल्कुल सही समय है। तो कौन से उससे हैं सर? ये मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपका जो नीमच है वो एक बहुत अच्छी मार्केट है। आप मार्केट में जाके सर्वे कर लें भाई किस प्रकार की आवश्यकता है, वो पाउडर के रूप में लेते हैं या जड़ के रूप में लेते हैं, और आप अपनी खेती शुरू कर सकते हैं आसानी से। जहाँ तक बीज की बात है तो बीज आप नज़दीक में गुजरात है, गुजरात में आनंद DMAPR यानी कि वो डायरेक्टरेट है मेडिसिनल प्लांट्स का, तो वहाँ से भी बीज ले सकते हैं। वहाँ बीज ना उपलब्ध हो तो आप हिसार से हमारे को लिख के हमारे यहाँ से भी बीज ले सकते हैं। और अभी इसी महीने के अंतिम तक आपको बिजाई करनी है। बिजाई करते समय खूड से खूड की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है, और जब पौधे आपके उग जाएँ 10-15 दिन में तो उसके बाद थिनिंग करके आप पौधे से पौधे की दूरी 4-5 सेंटीमीटर रख लीजिए, और पहली जो आपको नड़ाई गुड़ाई करनी है खेत के अंदर वो लगभग 30 दिन बाद करनी है और दूसरी 60-70 दिन पे करनी है। पानी आवश्यकता अनुसार लगाना है, ये कम पानी वाली फसल है, ये ज़्यादा पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए इसमें।
और इसमें लगभग किसी प्रकार का कोई कीड़े का प्रकोप नहीं होता। यदि होता भी है तो आपको सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से ही उसको नियंत्रित करना है, यानी कि नीम से बनी दवाइयों का ही उपयोग करना है। एक एकड़ की बिजाई के लिए लगभग आपको 2 किलो बीज की आवश्यकता रहेगी और बीज को आप नीम जनित दवाइयों से संशोधित करके ही आप अपने खेत में लगाएं तो ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। जब आपके पौधे बिल्कुल तैयार हो जाएं मार्च के महीने में, तो उस समय खुदाई करने से पहले आपको एक पानी लगाना पड़ेगा। 3-4 दिन बाद जब आपका ज़मीन बदतर में आ जाए तो उस समय आप पौधों को उखाड़ना है। पानी इसलिए लगाना ज़रूरी है ताकि जड़ आपकी पूरी ठीक से निकल आए। निकालने के बाद पौधों को खेत में सूखने देना है। लगभग आपको 10% नमी तक उनको सुखा के पौधों से अलग करके और जड़ों को आपको मार्केट में बेचना है। यदि सीधी बिके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पाउडर बना के बेच सकते हैं। ठीक है। अब सर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है, उससे पहले एक कॉलर है, उनका हम सवाल लेते हैं। हेलो 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 हाँ जी जी नमस्कार, राजेंद्र कुमार जी हिसार से आप हमारे साथ, बताइए राजेंद्र जी क्या सवाल है? जियो हरी मेरी मतलब 2-3 के तालीम फिर भी पत्र बंद हो गई है किसान योजना अभी। सर समझ पा रहे हैं? अच्छा ठीक है। सर क्या दो मिलते को नहीं जी पूछे, 3 किस्त आने के बाद में बंद होगी उसका, या तो EKYC नहीं हुआ होगा, आप जाकर EKYC जो करते हैं वो नहीं हुआ या कोई ना कोई कमी है, तो आप जाकर के जन सूचना केंद्र में अपनी उसकी जो डिटेल लेके जाइए, जो वहाँ कर्मचारी हैं वो आपको चेक करके बताएंगे किस कारण से ये हो रहा है, या घर में जो जो बच्चे या घर में जो अपने बच्चे हैं स्मार्टफोन रखते हैं, PM किसान जो पोर्टल है उस पर जा करके भी उसकी पड़ताल की जा सकती है किस वजह से वो किस्त रुकी है आपकी। जी अच्छा सर, अब EKYC को लेकर के भी बहुत सवाल आते हैं हमारे पास, तो थोड़ा मैं चाहती हूँ इसको और सरल तरीके से हमारे दर्शकों को समझा दें। EKYC को लेकर थोड़ा सा परेशान भी है कुछ किसान, ये क्या है, कैसे होगा, क्या फिर से सारे दस्तावेज देने पड़ेंगे, इस सब तमाम तरह के सवाल। उसके लिए जैसे मैंने बताया जन सूचना केंद्र सबसे बेस्ट है, वो सब ये सब रजिस्ट्रेशन का काम भी करते हैं, वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं जो भी ज़रूरत होगी उनको, आधार कार्ड बहुत नेसेसरी होता है, फ़ोन नंबर है, ये सब कहीं ना कहीं कुछ गलती, जैसे एक किसान भाई हमारे पूछ रहे थे वो कहीं 1 डिजिट उनके टेलीफोन नंबर की वो या आधार कार्ड की गलत हो गई थी तो उससे उनकी किस्त रुक गई, तो इसी तरीके से अपडेट करें उसको। इवन हमारे जो बैंक खाते हैं उनमें भी EKYC की चीज़ें जो हैं डिटेल वो अपडेट होती है टाइम टू टाइम, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जाएं उसकी जांच कराएं और जहां भी गलती है उसको अगर एक बार रेक्टिफाई कर लेंगे उसमें सुधार हो जाएगा तो निश्चित तौर पर कोई दूसरा कारण नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष आपकी किस्त रोक नहीं सकता, एक सिस्टम के तहत ये पैसा जाता है। हाँ, जो चयन होता है पात्र किसानों को वो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और जो भी भुगतान किया जा रहा है PM किसान सम्मान निधि में, सारा का सारा पैसा हमारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार उसकी तरफ से जाता है, तो कोई जानबूझ के इस तरीके की गलती नहीं करता कि आपका कहीं पैसा रुके, किसी को कोई नुकसान हो, तो निश्चित तौर पर आपकी किस्त रुकी है। आप जागरूकता दिखाते हुए जन सूचना केंद्र में जाएं, कृषि अधिकारियों से बात करें और PM किसान पोर्टल को भी आप बच्चों के माध्यम से या आप खुद पारंगत हैं तो उसके माध्यम से ये समाधान उसका ढूंढ सकते हैं। जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ, एक और दर्शक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से इन्होंने हमें फोन किया है। नंद स्वरूप जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न। हेलो जी नमस्कार, सवाल बताएं। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो औषधि की खेती है तो खेती करने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग लेना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, दूसरी चीज औषधि खेती के लिए हमारी मिट्टी की जो है किस प्रकार का पीएच मान होना चाहिए, भारी मिट्टी हो, हल्की मिट्टी हो या काली मिट्टी हो, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, और दूसरी चीज जो सम्मान निधि है जिनके लड़के सयाने हो गए मतलब अभी पिताजी की जमीन उनके नाम नहीं है, जो जिंदा है अगर उन्होंने जमीन खरीदी है तो क्या उनको भी सम्मान निधि मिलने का हकदार है? ठीक है, पहला सवाल है आपका औषधीय पौधों की खेती से जुड़ा हुआ, तो आप उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हैं नंद स्वरूप जी,
तो वहाँ की मिट्टी को देखते हुए सर कौन से औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं, पीएच मान कितना होना चाहिए, ये तमाम सवाल हैं। तो मिश्रा जी आप अपनी मिट्टी चेक करा सकते हो, नंबर एक तो ये है, जो सी मैप लखनऊ है वहाँ जाके, वहाँ वहाँ भी नहीं है जी, मतलब उसी हाँ, उसी क्षेत्र के आसपास यदि आपके पास में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कोई तो वहाँ भी ये सोयल और वाटर टेस्टिंग लैब होती है, तो वहाँ पे आप जाके टेस्ट करा सकते हो। आपकी पीएच मान यदि 7 से 8 है तो आप किसी भी प्रकार की फसल उसमें ले सकते हो, यदि 7.5 से ऊपर है तो उसमें आप कुछ एक सेलेक्टेड ही फसल ले सकते हो, जैसे कि आप एलोवेरा लगा सकते हो, अश्वगंधा लगा सकते हो, इसबगोल लगा सकते हो, इसके अलावा अन्य फसलों के लिए फिर वो अनुपयुक्त हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहला काम तो आप अपना ये चेक कराएं। दूसरी बात, औषधीय पौधों में दिक्कत आती है बेचने की, तो सबसे पहले आप अपने आसपास देखें कि मार्केट कौन से औषधीय पौधे का अच्छा है, जिसका मार्केट अच्छा हो उसी की आप खेती करें अपने एरिया में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जी। अब इनका दूसरा सवाल था प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ सर, वही कि बच्चे नाबालिग नहीं है, बालिग हो चुके हैं, उनके नाम पर पिता की ज़मीन नहीं लेकिन उन्होंने अपनी ली है, तो क्या वो भी पात्र बनते हैं इसके? जी बिल्कुल, वो पात्र बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो एक कट ऑफ डेट है उसके दायरे में नहीं आते, तो तुरंत उनको शायद लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन जब भी बीच बीच में सरकार उसको चेंज करेगी, बदलाव होगा, तो वो किसी न किसी समय उसके पात्र हो सकते हैं। और ज़मीन तो नाम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान की जो पहचान है, जब तक उसके पास खेती की ज़मीन नहीं होगी तो किसी को भले ही वो खेती कर रहा है कहीं, उसको किसान नहीं माना जाएगा। तो ज़मीन उनके नाम से रहे, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, और एक जन सूचना केंद्र की मैं हमेशा रेफरेंस दे रहा हूँ, वहाँ जा कर के मिल भी लें, उनकी सलाह ले लें, तो कट ऑफ डेट के हिसाब से वो आपको सुझाव दे देंगे। ठीक है सर, एक एलोवेरा से जुड़ा हुआ प्रश्न मेरे पास आया है, ये दर्शक है संदीप कुमार मेरठ से हमारे दर्शक है, और ये जानना चाहते हैं कि माफ़ कीजिए हरीश जो है लखनऊ से, और ये एलोवेरा की खेती करने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है जिसमें अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके? तो किसान भाई, एलोवेरा की खेती आप सर्दी के 2 महीने छोड़कर दिसंबर और जनवरी किसी भी मौसम में आप लगा सकते हो। एलोवेरा की खेती आप हल्की ज़मीन में करें तो ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पानी की उपलब्धता कम हो, जहाँ अच्छी ज़मीन है, पानी उपलब्ध है, वहाँ आप अन्य फसल ले सकते हैं, जैसे बरमी है या और अन्य फसल जो ज़्यादा पानी वाली है, स्थावर है, इस प्रकार के फसल ले सकते हैं, जहाँ कम पानी हो वहाँ पर आप ये फसल लें जी। सर एक प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये दर्शक है संदीप कुमार मेरठ से, और इनका कहना है कि पीएम किसान निधि में बहुत से किसानों की ज़मीन नहीं चढ़ी दिखाई दे रही है, पहले उनकी किस्त आती थी लेकिन अब रुक गई, और स्टेटस में दिखाता है नो लैंड या इस तरह की जानकारी ये दे रहे हमें, और भूमि की चढ़वाई कहाँ करवाएं, मतलब ऑन रिकॉर्ड्स कहाँ दें इसको? रिकॉर्ड्स जैसे मैं कह रहा हूँ कि जन सूचना केंद्र में भी जा करके वहाँ डॉक्यूमेंट लेके जाएं तो उसको अपडेट करवाएं, अपना जो खाता है जो खुला हुआ है पहले से, अगर 1-2 किस्त मिली हैं बीच में, क्यों कोई ना कोई कमी रही होगी तभी वो शो कर रहा है कि लैंड का कोई प्रूफ नहीं है, तो उसको करेक्ट करवाएं। कृषि अधिकारियों से भी संपर्क किया जा सकता है, कहीं ना कहीं कोई गैप है उसको अगर दूर कर लेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी जो किस्त है वो चालू हो जाएगी जी। एक कॉलर है हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं देखती हूँ कुछ हमारे पास ईमेल सवाल भी लगातार व्हाट्सएप सवाल भी आ रहे हैं, वो भी हम ले लेंगे। अब सर अगर हम बात करें औषधीय पौधों की खेती की, जैसा कि आपने भी कहा कि सबसे बड़ी समस्या आती है मार्केट की, तो बहुत तरह के औषधीय पौधे हैं, तो जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं उन्हें मार्केट को लेकर किन बातों को सुनिश्चित पहले कर लेना चाहिए? मार्केट में सबसे मुख्य बात तो रहती है रेट की, क्योंकि रेट जब तक अच्छा नहीं मिलेगा तो किसान को मुनाफा भी नहीं होगा। तो जैसे कि दिल्ली में खारी बावड़ी में मार्केट है, जब किसान अपनी मर्जी से कोई फसल बो कर फिर उसके पास बेचने जाता है तो वो कह देते हैं इसमें ये कमी है वो कमी है, और ऐसे उसको अच्छा भाव नहीं मिलता। यदि किसान पहले से किसी कंपनी से अनुबंध कर ले, अभी मैं इस चीज़ की पैदावार लूँगा और आप आगे मेरे को जिस भाव में देंगे वो भाव सब चीज़ पहले तय हो जाए, तो किसान के लिए आसान है और उसका मतलब सुनिश्चित हो जाता है कि उसका प्रोड्यूस बिकेगा ही बिकेगा और उसको मुनाफा मिलेगा जी।
बिल्कुल, तो आप पहले मार्केट सर्च ज़रूर कर लें, सुनिश्चित कर लें कि आप अपना उत्पाद कहाँ बेचेंगे, और उसके बाद ही आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि अब बाज़ार ढूंढने में भी इतनी समस्या नहीं है, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं, इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं इनकी मांग भी बढ़ रही है और हमारे किसानों को अच्छा दाम भी मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आ रहे हैं सर। एक और व्हाट्सएप सवाल है, इसबगोल की खेती के लिए क्या करें, ये अमृत हैं दर्शक हमारे जिन्होंने यूपी से सवाल भेजा है। इसबगोल की खेती भी एक तरह से बारानी क्षेत्र में आप आसानी से कर सकते हो, इसमें भी ज़्यादा से किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। एक एकड़ की खेती के लिए लगभग 2 किलो बीज की आपको आवश्यकता रहेगी, खूड से खूड की दूरी 30 सेंटीमीटर रहेगी और बाकी कतार में 3-4 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी आप रख सकते हैं। और आपकी भूमि है रेतीली हो और जहाँ बारिश कम होती हो, मार्च के महीने में बारिश होना इसके लिए नुकसानदायक रहता है, क्योंकि इसबगोल के ऊपर जो भूसी होती है जिसका कि दवा के रूप में उपयोग होता है तो वो बारिश होने से ख़राब हो जाती है। तो इसलिए उन क्षेत्रों में ही इसको लगाएं जहाँ मार्च के महीने में कम बारिश होती हो, ताकि पैदावार अच्छी ली जा सके। जी जी, एक और दर्शक हमारे साथ परेश पांचाल जी हैं जिन्होंने गुजरात से हमें फ़ोन लगाया है। जी परेश जी, बताइए क्या सवाल है। उत्तर गुजरात के अरावली जिले में रहता हूँ, साटम्बा गांव है छोटा सा। जी जी, औषधीय खेती में मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैंने सुना है कि नेशनल मेडिसिनल बोर्ड है जी, जो औषधीय खेती करने वाले किसानों की बहुत हेल्प करता है, किन किन प्रकार की योजना है हमारे मेडिसिनल बोर्ड की, हमारे किसानों को समझाइए, धन्यवाद। देखो, जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है वो दिल्ली में है, बाकी आपके गुजरात में भी है DMAPR आनंद में मेडिसिनल प्लांट्स के, तो वो आपको किसी भी प्रकार की जानकारी हो, किसी भी प्रकार का बीज हो और पैदावार के बाद में जो आपका प्रोड्यूस आया उसको बेचने संबंधी हर प्रकार के काम में वो किसानों का सहयोग करते हैं। वहाँ पे डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनीष दास जी, आप वहाँ जाके उनसे मिल सकते हो और किसी भी प्रकार की हेल्प और जानकारी चाहिए गुजरात के क्षेत्र में खेती के लिए ले सकते हैं जी। बाकी गुजरात के लिए इसबगोल की खेती भी आप आसानी से कर सकते हो, एलोवेरा भी कर सकते हो, चंद्रसूर भी कर सकते हो और अश्वगंधा भी, ये कुछ फसलें हैं जो आपके क्षेत्र में आसानी से हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, तो बहुत सारे दर्शकों के कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप सवाल आ रहे हैं और जिन्हें हम बारी बारी से शामिल कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपने सवाल हम तक नहीं पहुंचाए हैं तो अभी भी समय बाकी है, फिलहाल हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके सवालों का देंगे जवाब, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बाहर, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात करें औषधीय पौधों की खेती और साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो उनका भी स्वागत है। आप जो हमारे साथ दोनों मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं तो ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। और सिर्फ प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से जुड़ा मेरा अगला भी ये सवाल है, बहुत सारे किसान ये हमसे जानना चाहते हैं कि अगर जैसे 2-3 किस्तें उनकी मिस हो गई या फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस बारी उस उनका नहीं मिले किस्त, तो क्या ये आगे मिलेगी या फिर जब से शुरू होगी तभी से मानी जाएगी? जी बिल्कुल, अगर शुरुआत की जा रही है तो निश्चित तौर पर जब से उनका रजिस्ट्रेशन होगा तब से उससे आगे किस्तें मिलेंगी, ये नहीं कि उनको स्कीम शुरू हुई है तब से लागू हो जाए, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम से ही मिलना चालू होगा। और रहा सवाल कहीं कोई गलती से मान लो बीच में रुक गई है
तो उसके लिए जैसे मैंने पीएम किसान पोर्टल बताया, जन सूचना केंद्र बताया, वहाँ पर इन जो समस्याएं हैं उनको सुना जाता है, उनको उसमें लिया जाता है, और अगर समाधान होने लायक चीज़ है तो निश्चित तौर पर उसका सॉल्यूशन निकाल के और उसको चालू किस्त करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार बंद होगी, कोई ऐसा कारण है कि उसका निदान नहीं हो। आप संपर्क करें, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, अपना खाता चेक करके, और जन सूचना केंद्र वाले लोग आपको समाधान बता देंगे। जो डॉक्यूमेंट्स में कहीं कमी है उसको रेक्टिफाई करवाएंगे तो निश्चित तौर पर इनको लाभ मिलेगा, अगर वो पात्र हैं। कई बार ऐसा भी होता है गलती से, क्योंकि शुरुआत में जब स्कीम चालू की थी तब भी ऐसा हुआ था कि बहुत लोगों को जो पात्र नहीं है उनको भी ये पैसा मिलना चालू हो गया था, और जैसे ही नोटिस में आया तो फिर उनका वो बंद हो गया। तो ये ज़रूर है, लेकिन जो पात्र हैं और उनका किसी कारण से बंद हो रहा गलती से, तो निश्चित तौर पर उसका समाधान है, और उसी की वजह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, पीएम किसान पोर्टल है, जन सूचना केंद्र है, इस राज्य में नोडल अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी क्षेत्र के हैं, वो सब इस योजना में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए वो मदद करते हैं, सहयोग देते हैं और सलाह देते हैं। बिल्कुल, और देखिए सरकार की तरफ से पूरा प्रयास होता है, अधिकारियों की तरफ से पूरी कोशिश होती है कि किसी भी व्यक्ति की जो इसका पात्र है, जिसे उसकी पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा अवश्य मिले, उसमें किसी भी तरह की देरी ना हो, कोई त्रुटि ना हो। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं बातचीत में कि जो लोग इसके पात्र हैं उन्हें ज़रूर मिलेगी उनके उनके हिस्से का जो भी सम्मान निधि योजना का जो भी उनका किस्त बनती है। अब बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल भी उठ रहे होंगे कि कौन कौन लोग इसके पात्र हैं और कौन कौन किसान होते हुए, ज़मीन होते हुए भी क्या वो इसके पात्र नहीं होंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पात्र की अगर हम बात करते हैं तो किसान जिसके नाम से अपनी ज़मीन हो, एक तो यह है, ज़मीन कम ज़्यादा का कोई क्राइटेरिया नहीं है, और एक परिवार को मदद मिलेगी, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे उस परिवार की यूनिट होगी, और ज़मीन होते हुए भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता, वो हैं मान लो कोई दूसरा उनका व्यवसाय है, मान लो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो प्रोफेशनली वो व्यवसाय करते हैं, वो किसान भी हैं, ज़मीन भी है उनके पास, या ऐसे कोई किसान है जो विगत वर्ष में उन्होंने इनकम टैक्स पे किया हो, तो इनको एक्सक्लूड किया गया है कि इन लोगों को उस लाभ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने व्यवसाय से, अपने प्रोफेशनल जो व्यवसाय है उससे पैसा कमाने में काबिल हैं उसके, और वो अपना परिवार चला सकते हैं, खेती भी अच्छी से कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को इससे बाहर रखा गया है। या कोई राजनीतिक अच्छे पद पर रहे हों, MLA, MP, प्रेजेंट में हों, भूतपूर्व हों, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के हेड हों, मंत्री रहे हों, राज्य मंत्री रहे हों, सांसद हों, तो ऐसी जो हस्तियां हैं उनको भी इससे बाहर रखा गया है कि उनको इसके लाभ लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधे तौर पर ये जो वैसे किसान हैं जो सिर्फ ज़मीन पर खेती पर आधारित उनका व्यवसाय है, कोई दूसरा सहायक धंधा नहीं है, उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो अपने परिवार को या अपनी खेती किसानी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकें, तो उनको मदद पहुँचाने के लिए ये किया गया है। अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या आर्किटेक्ट, ये सब खेती के साथ साथ दूसरा भी उनका प्रोफेशनल व्यवसाय है, वो उससे भी कमाई कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको इससे बाहर इसलिए रखा गया है कि उनको इस मदद की ज़रूरत नहीं है। जी जी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई सर, और अब क्योंकि कार्यक्रम का समय भी ख़त्म होने को है, लेकिन तब भी बहुत सारे सवाल बहुत सारे दर्शकों के मन में अभी भी उठ रहे होंगे। सर, औषधीय पौधों की खेती के बारे में मैं आपसे बात कर लेती हूँ, कौन कौन से वो औषधीय पौधे हैं या फिर फसलें हैं जो कि प्रसंस्करण के तौर पर ज़्यादा बेहतर रहती हैं उनका चुनाव करना, और क्योंकि हम जान रहे हैं कि आजकल प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी काफ़ी सारी संभावनाएं हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे। जहाँ तक हम प्रसंस्करण की बात करते हैं तो जैसे कि सतावर है, तो सतावर यदि किसान ने खेत में लगा लिया, लगाने के बाद में जब उसकी जो फसल तैयार होती है 18-20 महीने के बाद में जब खुदाई करते हैं तो उसकी मूड़ी जैसी मोटी मोटी जड़ें निकलती हैं, तो उसको यदि आपने ऐसे ही खुले में रख दिया तो कुछ समय के बाद में अपने आप सड़ जाएगी, क्योंकि उसमें 80-90% पानी होता है। तो जब तक आप उसका प्रसंस्करण नहीं करोगे, आप उसको अच्छे से मतलब कि सुखाओगे नहीं ड्रायर का उपयोग करके, तब तक वो आपके लिए कारगर नहीं है।
तो उसके प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप उसको ड्राई करने के लिए आपके पास में ड्रायर हो, या तो आपका मतलब कि यानी जिसे हम कहते हैं निर्जलीकरण करना, एक तरीके से बिल्कुल उसका तो जो उसमें वाटर बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जी जी, आप सर आपसे भी अंत में ये जानना चाहूँगी कि और कौन कौन सी बातों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आगे जो लोग इसके पात्र बनना चाहते हैं किन बातों का ध्यान रखें। जी बिल्कुल, जैसे हमने विस्तृत रूप से चर्चा की जी। एक तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको जब भी अपलोड कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आधार कार्ड विशेषकर उसका कोई भी अंक, कोई भी डिजिट अगर आगे पीछे होती है तो निश्चित तौर पर आपका वो लाभ मिलने से आप वंचित हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स को बराबर रखें और मॉनिटर करते रहें, कभी आपकी किस्त मान लो किसी कारण से बंद हो गई है तो निश्चित तौर पर उसी टाइम उस चीज को जानकारी दें, जानकारी में लाएं और आप संपर्क करें अधिकारियों से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वायर मीणा जी आपका भी, और साथ ही डॉक्टर राजेश कुमार जी हमारे साथ थे। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया औषधीय पौधों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो ये था हमारा आज का हेलो किसान, जिसमें आज हमने औषधीय पौधों की खेती के बारे में विस्तार से जाना, आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी हमने दिए, और साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी जो भी आशंकाएं थी आपके मन में उनका भी आज के कार्यक्रम के माध्यम से निवारण किया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं उनसे आप किसानों को अवश्य ही लाभ होगा। अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें विभिन्न माध्यमों से पहुंचा सकते हैं, लेकिन आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको बताते हैं कि हमारे अगले अंक का विषय क्या होने वाला है। हमारे अगले अंक का विषय है शरदकालीन गन्ने की खेती, और साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा उसके बारे में भी बता दें, स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके साथ ही आप अपने सवाल हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हेलो किसान का कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें, 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं, अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक जानकारी आपको दे दें कि अगर आज के कार्यक्रम को आप फिर से देखना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी मिस कर गए हैं, शुरू से इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर पहुंच जाएं हेलो किसान कार्यक्रम पर। इसी के साथ यहां आपसे इजाज़त लेंगे, हेलो किसान के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।